पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां मुकुल करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है ताकि चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न हो सके। इसी के चलते हमीरपुर जिला में कर्मचारियों को 3 फेज में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, जिसमें ईवीएम मशीन के अलावा मतदान प्रक्रिया से भी कर्मचारियों को अवगत करवाया जा रहा है। हमीरपुर के टाउन हॉल में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार कोविड-19 के चलते 3 चरणों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा सके। एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजीलाल चौहान के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है और इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके चलते ही 3 चरणों में इस बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कम संख्या में कर्मचारी उपस्थित हो सकें। एसडीएम चिरंजीलाल चौहान ने बताया कि कोविड के चलते प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को राहत देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण ही मतदाताओं का मतदान केंद्र में कम से कम समय लगे। इसके लिए नगर परिषद के बड़े वार्डो में से 2 से 3 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को कम से कम समय में मतदान केंद्र में समय लगेगा। साथ ही कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा। एसडीएम ने बताया कि हर बार की तरह सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहीं पर ईवीएम को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की अंतिम रिहर्सल के बाद ईवीएम को बाल स्कूल परिसर में ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। साथ ही एसडीएम चिरंजीव लाल ने जनता से भी अपील की है मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हर एक वोट बहुत कीमती होता है। उन्होंने कहा कि संयम से उचित उम्मीदवार का चयन कर अपने वोट को अवश्य प्रयोग करें। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आज हमारा स्क्रूटनी का दिन खत्म हो गया है, आज हमारा नॉमिनेशन को जो वापसी लेने का दिन है और शाम को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। हमारे जिला परिषद के चुनाव ईवीएम के तहत होने हैं, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से अब हमने वहां पर पोलिंग पार्टीज का चयन कर लिया है, लोगों को अपॉइंट कर लिया है। इस संदर्भ में हमने इनको 3 फेज में ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि आजकल कोविड है, इसलिए हमने ये पूरी एहतियात की है कि सरकार के कोविड के रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना की जाए। यद्यपि पिछले समय में हम एक ही रिहर्सल करवाते थे, सभी लोगों को बुलाते थे, पर इस बार हमने 50-50 के बैच में इनको बुलाया जा रहा है और मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर ईवीएम की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पिछले कल भी थी, इसके अलावा हमने सेकंड रिहर्सल 5 और 6 को भी रखी हुई है। रिहर्सल के लिए हमने यहाँ पर जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं एसटीओ साहब हैं, वो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा हमने 1-2 वक्ता और रखे हैं जो भी उनके क्वेरीज है हमारी पोलिंग पार्टीज की, वो उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे। इसके अतिरिक्त इस बार हमने, क्योंकि पिछले जब 2015 में हमारे एमसी के इलेक्शन हुए थे तो हमारे पास यहाँ 11 वार्ड हैं, 11 वार्ड में हमारे 12 पोलिंग स्टेशन थे। वार्ड नंबर 1 हीरानगर में हमारे लगभग 2500 वोटर हैं। कोविड को देखते हुए यहाँ पर हमारे दो हमारे पोलिंग स्टेशन थे, एक हमारा सर्किट हाउस पोलिंग स्टेशन नंबर 1 और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस। क्योंकि जो सर्किट हाउस है वो हमारा क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए जो कोविड की ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पर उनका क्वारंटीन सेंटर है। इसको देखते हुए इस बार हमने वो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 हीरानगर का, उसको हमने शिफ्ट कर दिया है गंदा नॉन में, जो कि हमारा एमसी हमीरपुर का वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है। क्योंकि वार्ड नंबर 1 में हमारे वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 2500 के आसपास है, तो इतनी ज़्यादा संख्या में इस बार हमने ये तय किया कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को लगभग एक पोलिंग स्टेशन में 1200 या 1300 लोग एक पोलिंग स्टेशन को कैटर कर रहे थे। तो इसलिए हमने वार्ड नंबर 1 के लिए यह निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 1 में 3 पोलिंग स्टेशन होंगे, एक हमारा गंदा नौड़ में है, एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस में है और तीसरा हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सियोनी में है। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 नया नगर में भी हमारे लगभग 1723 वोटर्स हैं, उसके लिए भी हमने 2 पोलिंग स्टेशन तय किए हुए हैं, इसमें नया नगर 1 और नया नगर 2। ये हमारा एक्स सर्विसमैन एम्बरमेंट सेल ऑफिस में है, इसमें बिल्डिंग सेम रहेगी पर हमने इसको बाइफरकेट कर दिया कि यहाँ पर भी 2 पोलिंग स्टेशन होंगे। और पोलिंग स्टेशन नंबर जो नया नगर 1 है उसमें हमारे इलेक्ट्रोल पर जो सीरियल नंबर 1 से 850 तक जो भी वोटर हैं वो
हमारे नया नगर एक में वोट डालेंगे, और इसके अलावा जो नया नगर दो उसी बिल्डिंग में दूसरे रूम में जो हमने पोलिंग स्टेशन तय किया हो उसमें 851 से 1723 1723 नंबर के, या जो सप्लीमेंट्री में भी जो भी हमारे वोटर्स होंगे वो उसमें वोट करेंगे। थर्ड हमारा वार्ड नंबर 11 सुभाष नगर, उसमें भी हमारे लगभग 1600 वोटर्स हैं, क्योंकि 2015 में हमारे पास एक ही पोलिंग स्टेशन था, इस बार हमने उसको भी बाइफरकेट कर दिया है, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में इतनी ज़्यादा लोगों को कैटर करना बहुत मुश्किल था। सेकेंडली कोविड का भी समय है, इसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और थर्डली लोगों को भी यह समस्या हो रही थी, लोगों को भी हमने फीडबैक ली, लोगों का यह कहना था कि जब एक पोलिंग स्टेशन में इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसमें उनका जो वेटिंग टाइम था लगभग एक एक घंटा लग जाता था, तो उसको भी देखते हुए अब हमने दो दो बाइफरकेट किए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है इस बार हम जो कोरोना के लिए हमारे जो गाइडलाइन है उसको भी हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और लोगों को भी वेट जो वोटिंग के लिए कम वेट करना पड़ेगा, और सेकेंडली इससे हमारी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व की भांति स्ट्रांग रूम हमारा जो बॉयज स्कूल में ही रहेगा, और यहाँ पर जो ईवीएम की अभी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, इसके बाद जो प्रेपरेशन ऑफ ईवीएम सेकेंड स्टेज हमारा होगा, प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम, ईवीएम की प्रेपरेशन के लिए भी हम जो ईवीएम तैयार करेंगे वो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रेजेंस में ही करेंगे एज पर गाइडलाइन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें हमें इनको पूर्व में नोटिस देना होता है कि किस किस दिनांक को हम यहाँ ईवीएम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको नोटिस दे दिया है, और एक्चुअली आज विड्रॉल का दिन है तो हमें शाम तक पता लग जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट मैदान पर रहेंगे और कौन कौन से अपना नाम वापिस ले लेंगे। तो शाम को ही जो जो कैंडिडेट मैदान पे होंगे उन्हें हम लेटर भी दे देंगे, इंटीमेट भी कर देंगे कि कब हमने ईवीएम की तैयारी करनी है, ताकि जब ईवीएम की तैयारी हो रही हो वो अपने आप चेक कर लें कि कहीं ईवीएम में अगर इनको कोई अंदेशा है कि गड़बड़ी हो रही हो वो चेक कर लें, उनके सामने ईवीएम की तैयारी की जाएगी ताकि इलेक्शन प्रोसेस में पूरी पारदर्शिता रहे। काउंटिंग पिछले साल पिछले वर्ष पिछले 2015 के इलेक्शन में भी हमारे बॉयज स्कूल में ही हुई है, तो वहीं पर हमने काउंटिंग हॉल भी और स्ट्रांग रूम भी वहीं डिक्लेयर किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से, एमसी हमीरपुर के सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आपका वोट बहुत कीमती है, बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लें, और क्योंकि आपका एक एक वोट किसी भी प्रत्याशी को जीत या हार दिला सकता है, इसलिए संयम से, विवेक से, और जो भी आपको लगता है कि उपयुक्त कैंडिडेट है उसका चयन करें। थैंक यू।